वार्ड 16 ढांचा भवन प्रगतिनगर कुरुत के रहवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर शुक्रवार को पूरी हो गई, जब वार्ड पार्षद से एक बोर की मांग की गई थी और वार्ड पार्षद ने क्षेत्रवासियों की मांग पर प्रगतिनगर ढांचा भवन के बीच खाली पड़ी भूमि पर शुक्रवार को बोर खनन कर हैंडपंप लगवा दिया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 16 कुरुत के ढांचा भवन प्रगतिनगर में निवास करने वाले लोगों ने अपने वार्ड पार्षद से एक बोर की मांग की थी, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेष तौर पर गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत देखी जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए वार्ड 16 की पार्षद नेहा साहू ने जल संसाधन मंत्री गुरु रुद्र कुमार से आग्रह करके क्षेत्र में एक हैंडपंप लगवाने की स्वीकृति ले ली और शुक्रवार को यह पूरा भी हो गया। बोर हो जाने के बाद इसमें हैंडपंप लगा दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में होने वाली पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा। वार्ड पार्षद ने क्षेत्र की महिलाओं के साथ मिलकर विधिवत भूमि पूजन कर बोर खनन की शुरुआत करवाई और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र की जनता की मांग पर यह बोर खनन करवाया गया है। सर्वप्रथम तो मैं हमारी इस बोर खनन के लिए हमारी सभी महिलाओं का भी बहुत प्रयास रहा है। इसमें महिलाओं द्वारा, यहाँ की ढांचा भवन की महिलाओं द्वारा लगातार इस चीज़ के लिए मांग की जा रही थी। उनका ये मांग था कि यहाँ पे एक बोर हो जाए जो सार्वजनिक बोर हो, ताकि इस ग्राउंड को डेवलपमेंट मिल सके, विकास मिल सके, यहाँ पे हरियाली ला सके। यहाँ लोग भी जो है थोड़ा सा पानी की दिक्कत हो जाती है गर्मी में, तो सार्वजनिक रूप से यहाँ पे पानी की समस्या थी, जो कि हमारे माननीय मंत्री पीएचई मंत्री श्री गुरु जगत गुरु रुद्र कुमार जी के द्वारा संभव हुई है। हमने उनसे मांग की थी और उन्होंने बहुत ही जल्द से जल्द हमको इस मांग को स्वीकार करते हुए हमें एक बोर खनन का हमें उपहार दिया है। उन्होंने बोर खनन हमारे लिए कराया। ये एक इस क्षेत्र का बहुत बड़ा खाली और खुला हुआ स्पेस है, जहाँ पे यहाँ के लोग ही बहुत जागरूक हैं और चाहते हैं कि इस एरिया का डेवलपमेंट हो और यहाँ पे विकास हो और इसको एक गार्डन के रूप में, ताकि सार्वजनिक लोग यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर सके। लोग अपने यहाँ पे कोई पारिवारिक समारोह है, उनके द्वारा किया हुआ कोई भी आयोजन है, यहाँ पे कर सके। उसके लिए इस गार्डन को हम सबके सहयोग से हम इसको बिल्कुल हरियाली करने का और गार्डन के रूप में इसको बनाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और सबका सहयोग है इस गार्डन को बनाने का। नया दीदी को हम नमस्ते बोलते हैं। सभी महिलाएं दीदी हमारे लिए यहाँ गाँव में बोर से आ रही हैं, और जब भी कोई बात नेहा दीदी को हमने बोले हैं, हम ये महिलाएं बोले हैं, तब भी दीदी तुरंत आती है, तुरंत काम को करवाती हैं। इसलिए हम दीदी को धन्यवाद बोलते हैं और दीदी के सदैव उनके साथ हम लोग रहेंगे और दीदी हमारे साथ रहेंगे। दीदी को नमस्ते। वो नेहा की वजह से संभव हो पाया, यहाँ की पार्षद है जो नेहा, उसकी वजह से संभव हो पाया। यहाँ बच्चे लोग गणेश वगैरह भी बैठाते हैं, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। हम लोग का जो प्रोग्राम होता है शादी ब्याह का, पार्टी वर्टी के लिए, उसके लिए भी बोरिंग अच्छा हो जाएगी। और साइड साइड में हम लोग पौधे लगाना चाहते हैं, बोरिंग से पानी दे के हम लोग उसमें पानी डालेंगे तो पौधों में हरियाली भी आ जाएगी। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। अपनी बहुप्रतीक्षित मांग पूरा होने पर पूरे क्षेत्रवासियों में हर्ष देखा गया और सभी ने अपने वार्ड पार्षद नेहा साहू का दिल से धन्यवाद किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।